Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. My dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and welcome to Al Huda School. My dear friends, today we are going to start our last lecture of unit number 1 of book Oxford Modern English, grade 5, and the first unit which we started before 2 to 3 weeks. In that lecture I discussed all the points about unit number 1, and I read different paragraphs and explanation was done. So my dear friend, today we are going to start the last 2 or 3 paragraphs of unit number 1, the world in a wall. And I told you the situation of this chapter, that there was a boy, Garnell Dorrell, and he was an expert in studying animals. So he was sharing his experience about one creature, crocodile scorpion, with small babies, which he put into the matchbox, and an incident happened in his house that one of his family member, he after eating food took a cigarette in his hand and opened that matchbox for striking the matchstick, but in the place of matchstick there were scorpions, small babies, female scorpion. So confusion started. Now the last paragraph I'm starting to read that, and I will be explaining you this. By the time a certain amount of order had been restored, all the baby scorpions had hidden themselves under the various plates and bits of cutlery. The results of this incident were numerous. While the family is still feeling angry and frightened, moved to the sitting room, I spent half an hour rounding up the babies, picking them up in the teaspoon and returning them to their mother's bag. Then I carried them outside and spent the afternoon on the hillside. Then I carried them out on a saucer and reluctantly released them on the garden wall. Roger and I went and spent the afternoon on the hillside, for I felt it would be a wise to allow the family to have a break before seeing them again. अब इस पैराग्राफ में यूँ कहा जा रहा है कि अम्मी जो है वो क्या कहते हैं, बात मान गई कि अच्छा इन स्कॉर्पियन बेबीज़ को और स्कॉर्पियंस को हम किल नहीं करते, मारते नहीं है, बल्कि ऐसे करते हैं जैसे ये मेरा बेटा कह रहा है। अब क्या हुआ कि जब थोड़ा सा वक्त गुज़र गया तो सारी जो बेबी स्कॉर्पियंस थी छोटी छोटी सी, उन्होंने अपने आप को जो है ना प्लेट जो वो टेबल पे रखी हुई थी और सॉस वगैरह जो सॉस पैन उसके नीचे जो है ना छुपा दिया अपने आप को, वहाँ पर वो छुप गई और मुख्तलिफ जो बर्तन थे उसके आगे पीछे जो है ना नीचे की तरफ छुप गई। अच्छा फिर क्या हुआ, जो फैमिली मेम्बर्स थे उनको तो गुस्सा वैसे भी था और वो खौफज़दा भी थे कि पता नहीं क्या होगा, उन्होंने अपने आप को उस रूम से सिटिंग रूम की तरफ शिफ्ट कर लिया, वहाँ से चले गए सिटिंग रूम की तरफ। और मैंने जो है वो करीबन आधा घंटा लगाया उन बेबीज़ को जो है वो आराम आराम से अपने टी स्पून के अंदर जमा करता गया। और जिस तरह से वो पहले अम्मी की कमर के ऊपर चिपकी हुई थी उसी तरह से अम्मी की कमर के ऊपर उनको चिपकाता गया, वहाँ रखता गया।
फिर मैंने तमाम की तमाम को उठाया और उठाने के बाद एक सॉसर में जो है उसको भर दिया और फौरन से जो है उसको उठा के मैंने उसी दीवार जहाँ से मैं लेकर आया था वहाँ जाकर उनको रिलीज़ कर दिया। फिर हुआ ये कि मैं और रॉगर जो है वो बाहर गए, वहाँ से हिल साइड की तरफ चले गए दोपहर में, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कुछ मेरी जो फैमिली वो डरी हुई है उनको अलाउ किया जाए, उनको थोड़ा रिलैक्स किया जाए और वो जो है वो बग़ैर मतलब थोड़ा सा वो रिलैक्स करें और उनके दिमाग से ये चीज़ें हट जाए। लैरी डेवलप्ड अ फोबिया अबाउट मैच बॉक्सेस बट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू द वर्ड्स रिपरकशन ऑफ द होल अफेयर वॉज दैट मदर डिसाइडेड टू ट्राई टू स्टॉप मी फ्रॉम एक्सप्लोरिंग द एनिमल वर्ल्ड। कह रहे हैं कि जो लैरी थे जिसके घर में और जिसने माचिस की जो तिल्ली ली थी या क्या कहते हैं बॉक्स लिया था, उसने एक जहन बना लिया मैच बॉक्सेस के हवाले से कि भाई इसके अंदर तो पता नहीं कुछ भी हो सकता है, नहीं उसने एक फोबिया क्रिएट कर लिया। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ख़तरनाक बात ये थी इन पूरे मसले के अंदर वो ये थी कि मेरी मम्मी ने जो डिसाइड किया कि अब जो है वो मुझे स्टॉप करेंगे, मुझे रोकेंगी कि मैं जो है इस तरह की एनिमल वर्ल्ड को एक्सप्लोर ना करूं, यानी इतने खौफज़दा हो गए कि मुझे जो है अब जानवरों से दूर रखने के लिए उन्होंने डिसाइड कर लिया मम्मी ने। यू आर रनिंग वाइल्ड अगेन, इट्स अ हाई टाइम यू रिसीव्ड अ लिटिल मोर एजुकेशन शी सेड, आई एम गेटिंग यू अ ट्यूटर। कह रहे हैं कि आप जो है ना वो दिल बदिल जंगली होते जा रहे हैं, बदतमीज़ होते जा रहे हैं, आप जो है नुकसान पहुंचाने वाले इंसान होते जा रहे हैं और ये बेहतरीन वक्त है कि मैं आपको जो है ना आपकी एजुकेशन के ऊपर मज़ीद फोकस करवाऊं और मैं आज से जो है आपके लिए एक ट्यूटर अरेंज करती हूँ सॉरी गार्नर डॉनल्ड। नाउ दिस इज़ द एंड लाइन, यहाँ पर आखिरी लाइन है ये, एंड आफ्टर दैट वी हैव फिनिश्ड दिस यूनिट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू द एक्सरसाइज नंबर वन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नाउ यू कैन आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस इफ यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर व्हाट आई हैव गिवन टू यू। आप इन तमाम क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं अगर आपने मेरे लेक्चर को सुना होगा। इन द सेम वे गोइंग टू क्वेश्चन नंबर टू, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद आरटीसी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ये भी बिल्कुल बहुत ही आसान सी एक आपके पास एक्सरसाइज है और आई टोल्ड यू इन माय फर्स्ट लेक्चर व्हाट वाज दैट यू नीड टू मेक अ टाइटल पेज and you need to write your unit number 1 and the name of unit, and after that on the next page you will be writing the word meaning, and after writing the word meaning you will be writing the questions and their answers. As I have told you that questions are present in the notebook and the answers I have written over here, so please this is the end of exercise number 1 and then A2 exercise reference to context. These two exercises I told you in my first lecture to write. I hope you have written that and I hope that you have understood all these lecture developments. Jazakumullahu khair, inshallah. We will be meeting in our next lecture with the new chapter. All the best. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.